प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, मैं संजय मौर्य आपको परमेश्वर के वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ। प्रेरितों काम 3:1-10 तक जो घटना है, वहां पर दिन के तीसरे पैर यूहन्ना पत्रस परमेश्वर भवन में इबादत के लिए गए। उसी समय एक जन्म के लंगड़े को सुंदर फाटक पर भीख मांगने के लिए बिठा दिया गया। वो भिखारी बड़ी टकटकी लगाकर भीख मांगने की आशा से परमेश्वर के दासों की तरफ देखने लगा। यूहन्ना पत्रस ने कहा, देख भाई, हमारी तरफ देख, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर जो है वो हम तुझे देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। और उन्होंने उसके हाथ पकड़े और उसको खड़ा किया। तुरंत उसके टखनों में बल आ गया और वो उछल के खड़ा हो गया और इबादत करते हुए वो परमेश्वर भक्तों के साथ मंदिर में चला गया। वो नाम जो सब नामों में आला है, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम। यदि आप इस नाम में ईमान रखते हैं तो इस नाम का बार बार उच्चारण करिए, इस नाम को बार बार अपनी जुबान पर लेकर आइए, इस नाम से आप उस खुदा की इबादत करिए, इस नाम को आप सुनने में भी लेंगे, चीजें अस्तित्व में आ जाएंगी। यीशु का नाम चमत्कारी नाम है, यीशु का नाम उद्धार का नाम है, इसलिए इस नाम को बार बार लेते रहिए। हो सकता है आप गरीब होंगे, हो सकता है आपके पास चांदी और सोना नहीं होगा, हो सकता है आप अनपढ़ होंगे, कमजोर होंगे, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास यीशु का नाम है, आप असंभव को संभव बना सकते हैं यीशु के नाम से। इसलिए यीशु के नाम का उच्चारण करें। इस बात पर ना रोएं, इस बात पर ना पछताएं कि आप गरीब हैं, आप कमजोर हैं, आप असहाय हैं, पर इस बात से आनंदित हो जाएं कि आपके पास वो नाम है जो सब नामों में आला है, आपके पास वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, आपके पास वो नाम है जिसको आप शून्य में भी लेंगे, चीजें अस्तित्व में आ जाएंगी। इसलिए आप यीशु के नाम का उच्चारण करिए। प्रकाशित बाग 3:14 में यीशु ने खुद कहा, मैं जो आमीन हूं, यीशु ने खुद कहा, जो आमीन विश्वासियों को सच्चा गवाह है, जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वो आपसे यूं कहता है। यीशु ने कहा, जो आमीन है, परमेश्वर प्रभु यीशु अपना नाम बताते आमीन। यीशु का दूसरा नाम आमीन है, और आमीन का मतलब हम सभी जानते हैं, ऐसा ही हो। जब आप यीशु के नाम को लेंगे, वो आमीन बोलने के समान होगा। यीशु के नाम से जो कुछ आप मांगेंगे वो हो जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, सोचेंगे वो हो जाएगा, आप चलेंगे यीशु के नाम से, आप थकेंगे नहीं, आप निराश नहीं होंगे, ईश्वर आपको अथाश नहीं होने देगा, क्योंकि यीशु का नाम अलौकिक नाम है। इस नाम को बार बार लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह यूहन्ना की पुस्तक 16:24 में खुद कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, इसलिए मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु खुद कहते हैं, मेरे नाम से तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा। आपने दुनिया में भिन्न भिन्न नाम लिए होंगे, अलग अलग फर्क फर्क नामों से आपने इबादत की होगी, प्रार्थना की होगी। यीशु कहते हैं, मेरे नाम से प्रार्थना करके देखिए, मेरे नाम से मांग करके देखिए, आपको मिलेगा, आप सरफराज हो जाएंगे, आप ब्लेसड हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, आपके जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, चमत्कार से आपकी जिंदगी भर जाएगी प्रभु यीशु के नाम से। यीशु कहते हैं, मेरे नाम से मांगो, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, इसलिए मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, यदि आप परमेश्वर का वचन पहली बार सुन रहे हैं, यदि यीशु के विषय में आप पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आपने बहुत नाम उच्चारण किए होंगे अपने जीवन में, बहुत नामों से आपने प्रार्थना की होंगे अपने जीवन में, आज आप यीशु के नाम से दुआ करके देखिए, यीशु आपको निराश नहीं होने देंगे, यीशु आपकी सुन लेंगे। यीशु कहते, तुमने मेरे नाम से अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसका मतलब यीशु मुझे आपको आनंद देखना चाहते हैं, आप आनंदित हो जाएंगे, आप शांति से भर जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि यीशु के नाम का उच्चारण करिए, जरूरी है कि यीशु के नाम को बार बार अपनी जुबान पर लाइए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, आपकी इच्छाएं जो बली हैं पूर्ति की जाएंगी। यीशु मसीह मत्ती की पुस्तक 7:7 में भी कहते हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु तैयार है देने के लिए, यीशु तैयार है खोलने के लिए, यीशु तैयार है सुनने के लिए। आपको मांगना है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और यीशु के नाम को बार बार उच्चारण करिए। यीशु के नाम से अंधेरे में जाएंगे उजाला मिलेगा, आत्मिक रोशनी से भर जाएंगे, आप अकेले नहीं रहेंगे, यीशु के नाम को बोल के देखिए। साथियों, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु के चेलों ने उस जन्म के लंगड़े को कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो नाम हमारे पास है, जो चीज हमारे पास है, वो हम तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा। और
उसके टकनों में बल आ गया, वो जन्म का लंगड़ा खड़ा हो गया। वे सोना चांदी देते तो वो खड़ा नहीं हो सकता था, सोने और चांदी से, धन से, रुपए से लंगड़ा खड़ा नहीं हो सकता था, यीशु के नाम से खड़ा हो गया। यीशु के नाम से आप भी खड़े हो जाइए, यीशु के नाम लेकर के खड़े हो जाइए, आप बुलंद हो जाइए, आप अपनी यात्रा को, आप अपने जीवन को, आप अपने कामों को यीशु का नाम लेकर के शुरू करिए, आप आशीषित हो जाएंगे, आपको खुदा निराश नहीं होने देंगे। मैं आशा करता हूँ आपको संदेश अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। गॉड ब्लेस यू।